बीजेपी ने आज आरोप लगाया है कि कांग्रेस आतंकवादियों की भाषा बोल रही है। गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोच के बयान से विवाद शुरू हुआ, जिसमें सेना पर सवाल उठाए गए और आजादी की बात की गई है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि सेना और पुलिस वहाँ की आवाम को अधिक मार रही है। आज गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी से सबसे खुश पाकिस्तान के लोग होंगे जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। उसको लश्करे तैयबा समर्थन कर रहा है। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, हमारे देश के वीर सैनिकों के बलिदान का अपमान किया है। कांग्रेसियों के खून में गद्दारी है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा भारत माता का अपमान किया है। देश की जनता कभी कांग्रेस वालों को माफ नहीं करेगी। सैफुद्दीन सोच, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है आज कश्मीरियों को हिंदुस्तान से आजादी चाहिए। भारत के आर्मी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। चाहे सैफुद्दीन सोच हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, चाहे ISI हो, कांग्रेस पार्टी जिसके रहते 370 धारा लगी कश्मीर के अंदर, ये सबका मिला जुला गठबंधन है और ये जो साठगांठ है जनता के सामने जो है एक्सपोज हो चुके हैं। ऐसे कोई बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि अलगाववादियों और आतंकवादियों की को जो है वो उनकी हौसला अफजाई हो। उन्हें परास्त करने की जरूरत है और वो परास्त हो रहे हैं, अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी है उससे कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन मिलता है। बीजेपी नेताओं ने हमले के लिए बंदूक का मुंह कांग्रेस की ओर इसलिए मोड़ा है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता और महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आतंकियों के खिलाफ सेना के चलाए जाने वाले ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं। आजाद ने कहा, सेना के ऑपरेशन में आतंकी से ज्यादा आम लोग मरते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सेना और पुलिस वहां की आवाम को अधिक मार रही है। आज गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी से सबसे खुश पाकिस्तान के लोग होंगे जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद की बात में इसलिए दम दिखता है क्योंकि कश्मीरी अखबार में आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के प्रवक्ता का बयान छपा है, जिसमें कहा गया है कि आजाद के बयान से लश्कर इत्तेफाक रखता है। गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी के बाद लश्करे तैयबा का हम एक कमेंट, उनके स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर अब्दुल्ला गजनवी, क्या कहा उन्होंने में, वी हैव बीन ऑफ द सेम ओपिनियन एज द एक्सप्रेशन ऑफ गुलाम नबी आजाद एंड अदर्स। तो आज जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं उसको लश्करे तैयबा समर्थन कर रहा है। यानी बीजेपी के मुताबिक लश्कर और कांग्रेस आज कश्मीर को लेकर एक तरह की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी ने जिस राष्ट्रवाद की धारणा को लेकर महबूबा सरकार से समर्थन वापस लिया, उस राष्ट्रवाद की राह में कांग्रेस अपने इस बयान से रोड़ा अटकाना चाह रही है। राजनीतिक रूप से समझें तो सियासी शतरंज पर बीजेपी कांग्रेस से जिस चाल की उम्मीद कर रही थी, कांग्रेस वही चाल चल चुकी है। मोटे तौर पर समझें तो कांग्रेस का ये बयान बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने वाला दिखता है, लिहाजा कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है। हमारी देश की आर्म्ड फोर्सेस, उनमें क्षमता भी है, जज्बा भी है और बहादुरी भी है कि वो आतंकवादी हों या माओवादी, उनके खिलाफ निर्णायक और कठोर कार्रवाई कर सकें और पूरा देश देश के सैनिकों के साथ खड़ा है। और श्री गुलाम नबी आजाद नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बात दोहराई। सिर्फ आजाद ही नहीं, कांग्रेस के एक दूसरे बड़े नेता सैफुद्दीन सोच ने भी राष्ट्रवाद की राह में ये कहकर रोड़ा अटकाने की कोशिश की कि कश्मीर के लोग आजादी चाहते हैं। तो मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा, तब भी सही था, अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। यदि कोई भी शक हरकत दिखती है तो तुरंत हॉल्ट का सिग्नल दिया जाएगा। किसी को कोई शक, क्या आप मेरा साथ देने को तैयार हैं? जिस कश्मीर को 125 करोड़ हिंदुस्तानी अपना अखंड हिस्सा मानते हैं, जो कश्मीर हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है, जिस कश्मीर की रक्षा के लिए हमने हजारों सैनिक कुर्बान किए,
जिस कश्मीर के लिए हमारे देश के वीर जवान दुश्मनों के पत्थर सीने पर खाते हैं, जिस कश्मीर के लिए हमारे जवान दुश्मनों की गोलियां खाते हैं, उस कश्मीर की आजादी की बात कर रहा है देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस का एक नेता। फिर से सुनिए सैफुद्दीन सोज का देश तोड़ने वाला बयान। तो मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा, तब भी सही था, अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। यही वो सोच है जिसकी वजह से हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खतरा है, और ऐसी सोच वाले लोग कांग्रेस में फल फूल रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे बयान दुश्मनों को ऑक्सीजन देते हैं। कई बार उनके बयान ऐसे आए कि जो पाकिस्तान के बयानों से इनके मिलते जुलते बयान थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि इतनी पुरानी कांग्रेस के नेता लोग गलत बयानबाजी करके देश के साथ में खिलवाड़ कर रहे, ऐसा हमारा कहना है। कोई बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि अलगाववादियों और आतंकवादियों की को जो है वो उनके हौसला अफजाई हो। उन्हें परास्त करने की जरूरत है और वो परास्त हो रहे हैं, अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी है उससे कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन मिलता है। राहुल गांधी जो अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार कहते हैं, क्या देश उनके नेतृत्व में महफूज रह सकता है या उनकी पार्टी के नेतृत्व में महफूज रह सकता है? मोदी की सरकार एक तरफ जहां एनएसजी कमांडो को कश्मीर में तैनात कर अमरनाथ यात्रियों के लिए पुख्ता सुरक्षा देने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस के नेता देश को बांटने वाला बयान देकर नफरत की दीवार खड़ी करने में जुट गए हैं। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए ही जम्मू कश्मीर में सेना को मोदी सरकार ने राज्यपाल शासन के जरिए और ज्यादा ताकत दी है। नतीजा आपके सामने है। अनंतनाग के श्री कुफवारा में जवानों ने ये घेराबंदी आईएस के जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले आतंकियों के लिए की है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर आईएस के सरगना दाऊद सहित चार आतंकी मारे गए। इस एनकाउंटर में एक स्थानीय निवासी और एक जवान के भी शहीद होने की खबर है। यानी देश के दुश्मनों को बचाने के लिए कोई भी आ जाए, अब सुरक्षा बलों के हाथ हो वो बचने वाले नहीं। इसलिए बौखलाए देश के दुश्मन बेगुनाह जवानों को भी निशाना बना रहे हैं। यहाँ जिन हेड कांस्टेबल हबीबुल्लाह को श्रद्धांजलि दी जा रही है, वो आतंकियों के हमले में पिछले दिनों जख्मी हुए थे, लेकिन अस्पताल में आज उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन अभी देश के दुश्मनों के लिए काल बनकर आया है। यही वजह है कि पाकिस्तान परस्त और आतंकियों के मददगारों को मिर्ची लगी हुई है, लेकिन ये मिर्ची दुश्मनों को जितनी तेज लगेगी उतनी तेजी से कश्मीर में अमन और चैन का माहौल बनेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।